देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो बिजली का बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, उसमें गवर्नमेंट कौन कौन से चार्ज लगाती है और किस लिए लगाती है, क्यों गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको इस वेबसाइट का लिंक चाहिए, इसको पढ़ना है आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हो, सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पेज को करता हूँ नीचे। दोस्तों रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक यार जरूर कर देना, ताकि थोड़ी मेहनत मेरी भी सफल हो जाए। तो सबसे पहला चार्ज होता है हमारा एनर्जी चार्ज। दोस्तों एनर्जी चार्ज एक्चुअल में एक आपका रियल वाला चार्ज होता है, मतलब जितना यूनिट आपने खर्च किया है, जितनी बिजली आपने इस्तेमाल की है, वो जो चार्ज बनेगा यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से, वो कहलाएगा आपका एनर्जी चार्ज, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को सिर्फ हमसे एनर्जी चार्ज ही लेना चाहिए, बेशक उस पर GST लगा दे वो चलेगा, पर एनर्जी चार्ज ही हमारा एक्चुअल बिजली का चार्ज होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। सेकंड जो चार्ज है हमारा वो है दोस्तों हमारा फिक्स चार्ज, ठीक है। देखिए फर्स्ट मैंने इसे लिखा हुआ दोस्तों, क्योंकि वो तो हमारा जो अभी बताया था मैंने ऊपर आपको, वो तो हमारा एक्चुअल है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ ले जा रही हैं एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में, उसके लिए फर्स्ट बना रखा मैंने, ठीक है। तो पहला है फिक्स चार्ज, ठीक है। दोस्तों फिक्स चार्ज होता वो चार्ज है, जब आप मीटर लगवाते हो तो आपको बताया जाता है कि भाई आप इतने किलोवाट का मीटर लगाओगे तो आपको इतना फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। ये पहले से निर्धारित होता है, ये पहले से प्रिंट होता है, आप चेक कर सकते हो कि भैया अगर आप इतने वाट का या इतने लोड का मीटर लगवाओगे तो इतना चार्ज आपको फिक्स के चार्ज के रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फिक्स चार्ज है। सेकंड आता है हमारा MMC फॉर रीकनेक्शन। दोस्तों MMC का मतलब हो गया मिनिमम मंथली चार्ज। देखिए होता क्या है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई अगर आपने मीटर लगवाया है तो आपको कम से कम इतना पैसा तो देना पड़ेगा। बेशक आप अपने घर में ताला लगा के 2 महीने के लिए बाहर चले जाओ, विदेश चले जाओ या कहीं और पर शिफ्ट हो जाओ, पर आपने जो घर पर मीटर लगवाया है उसका आपको इतना चार्ज तो देना ही पड़ेगा, चाहे बेशक आपने एक बल्ब नहीं जलाया हो, एक लाइट तक यूज नहीं की हो, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा मिनिमम मंथली चार्ज, ठीक है दोस्तों। तो ये इस हिसाब से होता है, मान लो आपका मिनिमम मंथली चार्ज है 200 रुपये, ठीक है, और आपने एक भी आपने यूनिट खर्च नहीं की तो भी आपको 200 रुपये ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये मिनिमम मंथली चार्ज है। ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितने लोड का मीटर लगवाया हुआ है और उसका मंथली चार्ज क्या है। अगर आपने हैवी लोड लगवाया हुआ है तो उसका मंथली चार्ज ज़्यादा होगा, अगर आप घर की बात कर रहे हो और 1 किलोवाट तक का लोड है तो उसका मंथली चार्ज कम होगा, मिनिमम मंथली चार्ज, ठीक है। तो ये भी आप देख लेना। इसके बाद है नेक्स्ट चार्ज जो एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में लिया जाता है। दोस्तों ये होता है हमारा अमाउंट टू कवर MMC। देखिए जितना अमाउंट आपसे मिनिमम मंथली चार्ज के रूप में लिया जा रहा है उसी को कहते हैं अमाउंट टू कवर MMC, मतलब जितने पैसे लिए जाएंगे वो इसी के अंडर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है फ्यूल सरचार्ज। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। देखिए होता क्या है, आपको पता है कि बिजली बनाने में तेल भी लगता है, कोयला भी लगता है और बहुत सारे आइटम और लगते हैं, तो उनका रेट तो ऊपर नीचे होता रहता है। अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती ना कि भाई हर महीने आपका यूनिट का रेट चेंज कर रही है। तो गवर्नमेंट करती क्या है, यूनिट का रेट तो एक रहने देती है कुछ, मतलब जो भी टाइम पीरियड होता है उसका, उसके अलावा जो तेल का रेट या फिर जो कोयले का रेट ऊपर नीचे हो रहा है उसका हिसाब लगा लेती है और उसको एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में आप में आपके बिल में ऐड कर देती है, ठीक है। उसको कहते हैं फ्यूल सरचार्ज, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि कोयला, तेल या जो अलग सामान है जिनके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो जो ऊपर नीचे रेट हो रहे हैं जिससे बिजली विभाग को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं उनको, तो वो अमाउंट आपके बिल में एडजस्ट कर दिया जाता है, इसी को कहते हैं फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट, ठीक है। दोस्तों अगर आपको सब पूरा पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हो, जल्दी से मैं आपको वीडियो के माध्यम से शॉर्ट में बता रहा हूँ इस तरह से। इसके बाद है हमारा एक्सेस लोड सरचार्ज। देखिए दोस्तों एक्सेस लोड सरचार्ज का मतलब ये होता है, आपने मान लो 1 किलोवाट का मीटर लगवाया हुआ था पर आप यूज़ कर रहे हो 2 किलोवाट, समझ रहे हो, तो उस केस में आपको एक्सेस लोड सरचार्ज देना पड़ता है। मतलब बिल तो आपका ज़्यादा आएगा ही, प्लस में ये सरचार्ज भी आपको देना पड़ेगा कि भैया आप कम लोड का आपने मीटर ले रखा है और ज़्यादा लोड यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में एक तरह से पेनल्टी मान लो ये आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कैपेसिटर सरचार्ज। दोस्तों होता क्या है, अगर आपके घर में मोटर है या फिर समरसीबल है, तो समरसीबल या मोटर जब भी आप चलाते हो तो उसमें उसके चलाने से क्या होता है, लाइन पे लोड पड़ता है, आपका जो मीटर है उस पे लोड पड़ता है,
जो ट्रांसफार्मर है उस पर लोड पड़ता है, तो वो लोड ना पड़े इसीलिए घर में संट कैपेसिटर लगाए जाते हैं। ठीक है, घर में संट कैपेसिटर लगाए जाते हैं। और संट कैपेसिटर दोस्तों अगर आप नहीं लगाओगे तो फिर जो चार्ज बिजली विभाग आपसे लेगा उसी को कहते हैं कैपेसिटर सरचार्ज। ठीक है, संट कैपेसिटर एक तरह से मान लो आपका स्टार्टर टाइप का हो गया। आपने अगर खेत में देखा होगा वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है मोटर के पास में, समर्सिबल के पास में, तो उसी को कहते हैं संट कैपेसिटर। नहीं तो आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे चेक कर लेना संट कैपेसिटर क्या होता है, किस काम आता है। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना आप, अगर आपके घर में चीज़ है ये वाली मोटर वगैरह समर्सिबल वगैरह, मतलब हैवी लोड का कुछ सामान है जिसमें मोटर घूम रही है, तो उसमें आपके पास उचित रेटिंग का और ISI मार्क वाला संट कैपेसिटर होना चाहिए। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा, ये पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट चार्ज, वो है हमारा मीटर सर्विस चार्ज। दोस्तों देखिए, जब आपने मीटर लगवाया था उस समय भाई मीटर को दीवार पर ठोकने के लिए कोई आता है, फिर उसमें वो कनेक्शन करता है ट्रांसफार्मर से तार वहाँ तक लेकर आता है, तो इसमें जो सर्विस देता है वो हो गया हमारा मीटर सर्विस चार्ज। मतलब उस टेक्नीशियन को जो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है वो हमसे वो मीटर सर्विस चार्ज के नाम पर ले ले रही है हमसे। ठीक है, लाइन सर्विस चार्ज का मतलब यही है कि जो ट्रांसफार्मर से आपके घर के लिए लाइन भेजी जा रही है उसमें जो बंदे लगे पड़े हैं उनकी सर्विस का चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट कैपेसिटर सर्विस चार्ज। ठीक है, देखिए जितने किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव KVAR, दोस्तों जितने KVAR का आपने कैपेसिटर लगवा रखा है अपने घर में या फिर जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ पर, उसके हिसाब से ये चार्ज बनता है। ठीक है, उसके हिसाब से चार्ज बनता है। ऊपर मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर लगवाना पड़ेगा, और नीचे यहाँ पर है कि भैया अगर कैपेसिटर लगवाया है और कितनी कैपेसिटी का लगवाया है उस हिसाब से आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, एक सेकेंड, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाई जाती है और हर स्टेट के लिए अलग हो सकती है, और ये भर्ती मतलब कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। ये एक तरह से कर हो गया, मतलब उस पर टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, तो वो चीज़ है ये। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स भी उस हिसाब से है, नगर निगम जो कर लगा रहा है ये भी बढ़ता करता रहता है, और ये हर राज्य के लिए अलग होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा 12 नंबर का एरियर्स आउटस्टैंडिंग चार्ज, आउटस्टैंडिंग ड्यूज। देखिए दोस्तों, इसका पढ़ के ही आपको समझ आ रहा होगा, जो बकाया आपका रह गया है उस बकाए को अगर आप नहीं भरोगे तो जो चार्ज लिया जाएगा वो आपका आएगा एरियर्स या फिर आउटस्टैंडिंग ड्यूटीज में। ठीक है, बिजली का बिल आपका पहले का रह गया हो या गवर्नमेंट ने आपको नहीं भेजा तो आपको भेजेगी, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, जो कि हमारा सन्ड्री सरचार्ज। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए ये क्या होता है, ये एक तरह से किराया हो गया मीटर का आपका, मतलब कि जो बिजली विभाग है जिसने आपके घर पर मीटर लगाया है तो उसने एक तरह से एक मीटर आपके घर पर लगा दिया और आपसे बोल रही है कि भैया इस मीटर का आपको किराया भरना पड़ेगा और ये किराया साल में एक बार भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो देना ही पड़ेगा आपको भाई, किराया है। अगर किराया नहीं दोगे तो क्या होता है, वो आपका मीटर ले जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये किराया है, एक तरह का किराया समझो इसको आप, जो आपको साल में एक बार भरना ही पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपका लोड कितना है, उस हिसाब से किराया बनेगा, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होता है, तो ये चीज़ आप देख लेना। बाकी इसका मतलब ये होता है, एक तरह से किराया होता है। ठीक है, जो लेती है बिजली विभाग आपसे। इसके बाद हमारा प्रोविजनल एडजस्टमेंट, BR एडजस्टमेंट। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। ये होता क्या है, देखिए कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई महीनों तक आपकी आपका बिल नहीं आया, जो बिजली लेने वाला जो बिल देने वाला था वो कई महीनों तक नहीं आया आपके मोहल्ले में, ना ही आपका बिल आया है। तो उस केस में दोस्तों एक एवरेज अमाउंट बिजली विभाग निकालती है कि भैया आपने पिछले टाइम पे, मतलब पिछले साल या फिर पिछले महीने में जब भी आपने बिल भरा था तो उसका एक एवरेज निकाल लेती है कि भाई हाँ भाई आपको जो पहले भरा था उस हिसाब से पैसे दे दो। ठीक है, तो जो हिसाब किताब लगाती है उस हिसाब किताब को ही कहते हैं प्रोविजनल एडजस्टमेंट या फिर BR एडजस्टमेंट। ठीक है, ये इसी के अंडर आता है। आप समझ गए होंगे मेरी बात, आई होप, कि आपने कई महीनों से बिल नहीं दिया या फिर गवर्नमेंट ने नहीं लिया,
कोई बात हो गई या रीडिंग आपके पढ़ नहीं पा रही, मतलब कुछ ऐसी बात होगी आपने बिल कहीं टाइम से नहीं भरा, चाहे अपनी गलती से या फिर गवर्नमेंट की गलती से, और फिर गवर्नमेंट आपको एक साथ में इतना बिल पकड़ा देती है, और जिस हिसाब वो लगाती है कि भैया आप पिछले साल आपने इतना यूज़ किया था तो इस साल भी आपने इतना यूज़ किया होगा, इस टाइम पे इतना यूज़ किया होगा, तो एक मोटा मोटा हिसाब लगा लेती है वो, उसी मोटे मोटे हिसाब को कहते हैं प्रोविजनल एडजस्टमेंट एंड बीआर एडजस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एलपीएस एडजस्टमेंट। देखिए एलपीएस दोस्तों होता है हमारा लेट पेमेंट सरचार्ज, अगर आप पेमेंट लेट देते हो तो उसमें जो सरचार्ज लगता है आपसे वो होता है हमारा लेट पेमेंट सरचार्ज एडजस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद उसमें लास्ट है हमारा ये हमारा नॉन एनर्जी चार्ज या फिर एसीडी रिवर्स चार्ज। देखिए दोस्तों जो नॉन एनर्जी चार्ज है वो आपको समझ आ रहा है पढ़ने से ही कि ये आपके बिजली बिल से कोई भी संबंधित नहीं है, ये गवर्नमेंट आपसे एक्स्ट्रा ले रही है। किस बात के ले रही है? ये गवर्नमेंट ले रही है आपसे सिक्योरिटी के रूप में। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे भाई जब आपने मीटर लगवाया था तो उस समय आपने सिक्योरिटी जमा कर दी थी, तो अब क्या ये सिक्योरिटी हमें बार बार जमा करनी पड़ेगी? तो हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये आपको बार बार जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले जब आपने मीटर लगवाया था, नया कनेक्शन लगवाया था, तो आपने इकट्ठे पैसे दे दिए थे, पर अब आपसे इकट्ठे पैसे नहीं मांग रही गवर्नमेंट। अब क्या करेगी, उसी पैसे को जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट को चाहिए या बिजली विभाग को चाहिए, उस पैसे को वो किस्तों में बांट देगी और उस किस्त को आपके बिजली बिल में जोड़ के दे देगी, नॉन एनर्जी चार्ज के नाम पे, सॉरी नॉन एनर्जी चार्ज के नाम पे या फिर एसीडी रिवर्स चार्ज के नाम पे। ठीक है, एसीडी का दोस्तों फुल फॉर्म होती है एडवांस कंजप्शन डिमांड। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कह रही है, गवर्नमेंट ये हिसाब लगाती है कि भाई जब आपने मीटर लगवाया था उस समय आपकी खपत कम थी या जितनी भी थी, और अब उस बात को हो गया है 1 साल, तो अब आपका परिवार बढ़ गया होगा, आपकी खपत ज्यादा हो गई होगी, तो इसलिए आपको जो सिक्योरिटी है वो भी अब देनी पड़ेगी ना अब नए साल की। ठीक है, तो भविष्य में जो आप बिजली यूज करने वाले हो उसके लिए सिक्योरिटी गवर्नमेंट पहले से ही ले रही है आपसे, इसलिए इसको रिवर्स कहा जा रहा है, मतलब पहले से ले रही है वो। ठीक है, मतलब खर्चा आप करोगे भविष्य में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले रही है आपसे अभी से, और वो भी किस्तों में। ठीक है, तो वो देख लेना आप, आपके मीटर में जो बिल आया है आपका उसमें ये लिखा होगा नॉन एनर्जी चार्ज कितना है या फिर एसीडी रिवर्स चार्ज कितना है। ठीक है, ये सिक्योरिटी है जो गवर्नमेंट दे रही है आपसे, पर किस्तों में ले रही है। ठीक है, ये भी हर पर्सन के लिए अलग हो सकता है, आपके लोड के हिसाब से अलग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ चार्जेस दो जो आपको देने पड़ते हैं आपके एक्चुअल चार्ज के अलावा। दोस्तों अगर आपको ये सब कुछ पढ़ना है तसल्ली से तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसको पढ़ सकते हो, लिंक आपको वहीं मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर पसंद आती है तो, और नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू वेरी मच।